हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 जंतुओं का भोजन आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? जंतुओं का भोजन, फूड ऑफ एनिमल्स। जैसे कि मनुष्य जीवित रहने के लिए मनुष्यों को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवित रहने के लिए जीव जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हम जंतुओं का भोजन जो होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि सभी जंतु सजीव हैं और सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी जंतु क्या हैं? सजीव होते हैं। और सजीव वस्तुओं किसकी आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए? भोजन, जल, वायु, इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। ठीक है, भोजन जंतु को शक्ति प्रदान करता है। आपने भी अपने आसपास विभिन्न जंतुओं को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए अवश्य देखा होगा। ठीक है, जो भोजन होता है वह जंतु को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, हमें शक्ति कहाँ से प्रदान होता है? भोजन से प्रदान होता है, प्राप्त होता है। आपने भी अपने आसपास विभिन्न जंतुओं को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए अवश्य देखा होगा। जैसे कि हम अपने आसपास क्या देखते हैं? कुछ जीव जंतु होते हैं भोजन के लिए इधर उधर क्या होते हैं? घूमते हैं, भटकते हैं। किसके लिए भटकते हैं? भोजन के लिए ही तो भटकते हैं। गाय, भेड़, बकरी आदि घास चरते हैं, कुत्ता हड्डियाँ चूसता है, पक्षी आकाश में उतर कर भूमि पर पड़े दाने अथवा कीड़े मकोड़े चुगते रहते हैं। मतलब जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे कि जो गाय है, भेड़ है, बकरी, ये सब क्या करते हैं? घास खाते हैं। कुत्ता जो होता है वह घास घास नहीं हड्डियाँ चूसता है। ठीक है, और जो पक्षी होते हैं वह क्या कहते हैं? आकाश से उतर कर जो भूमि पर दाने पड़े होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं, उन्हें वो क्या कहते हैं? अपने भोजन के रूप में खाते हैं। जंतुओं को भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो जंतुओं के भोजन का आधार है उन्हें हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु और तीसरा सर्वाहारी जंतु। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी जंतु जो कुछ जंतु केवल घास, पौधे, पत्ती, फल आदि खाते हैं, ऐसे जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, जो जंतु केवल घास, पौधे, पत्तियां खाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हाथी, ये सब क्या है? शाकाहारी जंतु हैं। ठीक है, ये सब क्या खाते हैं? घास ही तो खाते हैं। ये अपने भोजन में किसी मांस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये केवल घास, पत्तियाँ, फल आदि खाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब दूसरा हमारा है मांसाहारी जंतु। ठीक है, मांसाहारी जंतु जैसे नाम से स्पष्ट है, मांसाहारी जो जीव जंतु मांस अपने भोजन के रूप में मांस का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। वे जंतु जो केवल अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ मांसाहारी जंतु अपने भोजन के लिए अन्य जीवों का शिकार स्वयं करते हैं, जबकि कुछ मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं। ठीक है, जो मांसाहारी जंतु होते हैं वह अपने भोजन में किसी दूसरे जंतुओं के मांस का प्रयोग करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, जो जीव जंतु अपने भोजन में किसी दूसरे जंतुओं के मांस का उपयोग करते हैं, उन्हें खाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि शेर हो गया, चीता हुआ, ये सब क्या क्या हैं? मांसाहारी जंतु हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? मांसाहारी जंतु हैं। तीसरा क्या है? सर्वाहारी जंतु। ठीक है, तीसरा क्या है? सर्वाहारी जंतु। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो घास, पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं, ये जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घास भी खाते हैं और मांस का भी प्रयोग करते हैं अपने भोजन में। ठीक है, कुछ जंतु पौधों के साथ साथ अपने भोजन में मांस का भी उपयोग करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बिल्ली हुई, कौवा हुआ, कुत्ता हुआ, मनुष्य है, ये सब क्या है? सर्वाहारी जंतु हैं। ये अपने भोजन में पेड़ पौधों के साथ साथ मांस का भी उपयोग करते हैं।
जंतुओं तथा पेड़ पौधों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। केवल शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतु ही नहीं बल्कि मांसाहारी जंतु भी पेड़ पौधे पर निर्भर हैं होते हैं, क्योंकि मांसाहारी जंतु जिन प्राणियों का मांस खाकर जीवित रहते हैं वे प्राणी भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे कि जो जंतु होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं उनका क्या बहुत गहरा संबंध है। अगर पेड़ पौधे ना रहें तो जीव जंतु नहीं रहेंगे, यदि जीव जंतु ना रहें तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरह से पेड़ पौधे और जंतुओं में एक बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, जैसे कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। सेम ऐसे ही पेड़ पौधों को भी अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, मनुष्यों से मिलती है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के बीच में, मनुष्यों और पेड़ पौधों के बीच में, एक गहरा संबंध होता है। केवल शाकाहारी तथा सर्वाहारी जंतु ही नहीं, ठीक है, जो शाकाहारी और सर्वाहारी जंतु नहीं, केवल जंतुओं का केवल नहीं गहरा संबंध होता है, जो मांसाहारी वाले जंतु होते हैं उनका भी गहरा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि उनका वो जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह दूसरे जंतुओं से ही तो प्राप्त करते हैं, और वो जो जंतु होते हैं अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, जीव जंतु चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सर्वाहारी हो, मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, कोई भी जंतु हो, इनका पेड़ पौधों से और पेड़ पौधों का इन सारे जंतुओं से क्या होता है, एक गहरा संबंध है। अब है पालतू जानवरों का भोजन या पालतू जंतुओं का भोजन। पालतू जंतु जिन्हें हम पालते हैं, ठीक है, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। पालतू जंतुओं से हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यह जंतु बहुत से कार्यों में हमारी सहायता भी करते हैं। हमें उनके भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से हमको दूध प्राप्त होता है। इन जंतुओं को भोजन में हरी घास, बिनौला आदि देने से इनकी दूध की क्षमता बढ़ती है। जो पालतू जंतुओं होते हैं उनसे क्या होते हैं, हमें बहुत सी उपयोगी की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये जंतु बहुत से कार्यों में हमारी सहायता भी करते हैं। जैसे कि अगर हम जो बैल हम लोग पालते हैं वो क्या करता है, हमारे खेतों को जोतने में हमारी सहायता करता है। और भी जैसे जंतुओं को हम पालते हैं, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है, उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, हमें इनके भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो जिस जंतुओं को हम पालते हैं उनसे हमें अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो उनके लिए भी तो हम क्या करेंगे, हमारा भी तो दायित्व है कि उनके लिए हम अच्छे भोजन का प्रबंध करें, हम प्रबंध करना चाहिए। कुछ जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से हमको दूध प्राप्त होता है। इन जंतुओं को भोजन में हरी घास, बिनौला आदि देने से इनकी दूध की क्षमता बढ़ती है। जैसे जो गाय, भैंस, बकरी हैं इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, तो वो हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। इसीलिए हमें इनके अच्छे भोजन का प्रबंध करना चाहिए, जैसे कि हरी घास हुआ, बिनौला हुआ, इन सब अच्छे भोजन का प्रबंध हमें अपने पालतू जानवरों के लिए करना चाहिए। घोड़ा है, ऊँट, गधा, बैल आदि जंतु बोझा ढोने, गाड़ियाँ, घोड़ा, ऊँट, गधा, बैल आदि जंतु क्या करते हैं, बोझा ढोने में काम, ढोने का काम, गाड़ियाँ चलाने और खेतों को हल खींचने के काम आते हैं। ठीक है, ऐसे जंतुओं को भोजन में चने, दाल, तिलहन आदि देने के लिए इनके शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे कि जो घोड़ा है, बैल, गाय ये सब क्या करते हैं, बोझा ढोने का काम करते हैं, गाड़ियाँ ढोने का काम करते हैं, तो इन लोगों के भोजन का हमें विशेष भोजन देना चाहिए। जैसे कि भोजन में चने, दाल, तिलहन आदि देने से इनके शरीर की जो ऊर्जा होती है वह वृद्धि होती है और वह काम करने में सक्षम होते हैं। कुछ पक्षियों जैसे मुर्गे, बत्तख आदि को अंडों को हम भोजन के रूप में खाते हैं।
इनको ऐसा भोजन देना चाहिए जो इनके शरीर निर्माण में सहायक हों। जैसे कुछ पक्षियों को हम पालते हैं, जैसे मुर्गी हुए, बत्तख हुई, ये सब क्या देते हैं, हमें अंडे देते हैं, और इन अंडों का उपयोग हम क्या करते हैं, भोजन में उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में क्या करते हैं, इनके अंडों को हम खाते हैं। इसलिए इनको ऐसा भोजन देना चाहिए जिससे कि इनके शरीर का निर्माण हो।